जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 9:39 रात की हो गई है। आज 3:30 के बाद नहीं बनाया तो अभी बना रहा हूँ। आजकल मैं बोला ना, मैं बहुत कामों में व्यस्त हूँ, तो मैं फिर भी बनाता हूँ जो भी हो। 395 पे बंद हुआ है निफ्टी और 683 पे बैंक निफ्टी। तो कल की क्लोजिंग 443 की थी, यानी कि मार्केट आज लगभग 50 पॉइंट माइनस बंद हुआ है। और ऐसे माहौल में कल मैंने आपको 2 बजे वीडियो डाल के बोल दिया था कि शॉर्ट मार दीजिए निफ्टी को, बैंक निफ्टी में मत कुछ करिएगा, ये भी बोला था। और एज इट इज़ हुआ। आज सुबह भी समझाया, उसका कारण समझाया, 61.8% प्लस FIs की कंटिन्यूस रिन्यूड सेलिंग। क्योंकि फ्राइडे को जब 12 करोड़ पे आ गए थे सेलिंग पे, तो वापस से सेलिंग जारी रखने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये मैंने रीज़न समझाए थे। और 61.8% पे रिट्रेसमेंट पे फेस किया उसने रेजिस्टेंस, वो भी समझाया था। एज इट इज़ मार्केट हुआ। जबकि सुबह जब मैंने वीडियो बना रहा था आज आपको, तब मैंने आपको दिखाया था गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट प्लस थी, उसके बावजूद आज आप 50 पॉइंट माइनस पे क्लोज। चलिए, अब हम सीधा चार्ट पे जाते हैं और आज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आज ओपनिंग हुई 457, हाई बनाया 463.90, एग्जैक्टली जो कल का हाई था 464.40, उससे थोड़ा सा नीचे, 50 पॉइंट नीचे, 50 पैसा नीचे, 50 पैसा ओनली, नॉट इवन 1 रुपया। तो कल से आज लोअर हाई बना, जबकि आपका जो गिफ्ट निफ्टी है वो तो ऐसा दिखा रहा था कि धमाकेदार खुलेगा। लो बनाया आज मार्केट ने 378 का, 378, और 395 की क्लोजिंग हुई है, 400 के नीचे क्लोज हुआ है। तो ये मेरी बहुत बड़ी जीत है। अब आ जाइए, अब मेरा टारगेट सुन लीजिए। देखिए, मेरा स्टॉप लॉस तो एक ही बताया था मैंने आपको कि 19,464 के ऊपर क्लोज हो जाएगा क्लोजिंग, इसके ऊपर क्लोज होगा तो हमारा स्टॉप लॉस, मतलब हम फिर बाइंग का सोचेंगे। स्टॉप लॉस तो क्या, कल मैंने 400, कल की क्लोज थी 443, उस समय आपको इवनिंग वीडियो में भी बताया, जबकि दोपहर को ही मैंने चालू मार्केट में बोल दिया था, ठीक है। ये किसी दुनिया के शख्स की ताकत नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरी छोड़ यूट्यूबर छोड़ दिए, किसी की ताकत नहीं है, विथ लॉजिक बता देना उस समय, ठीक है। कल भी गिरेगा मार्केट, देखिए उसका भी लॉजिक देता हूँ। एक तो ठीक आज भी उसने 61.8% रिट्रेसमेंट क्रॉस नहीं किया। ये देखिए, ये जो गिरावट हुई, 1012 पॉइंट की गिरावट हुई फ्रॉम 19849। मैं फिर से रिपीट ही कर रहा हूँ, आप लोग को याद ही हो जाए, ताकि यहाँ से ये 26, ये 17 अक्टूबर का डेट है, उस दिन ये हाई था, और ये 26 अक्टूबर, यानी कि जो अक्टूबर की एक्सपायरी हुई उस दिन की डेट है, उस दिन मार्केट ने 18837 का लो बनाया, ठीक है। यहाँ से ये राइज कर करके कल 464 का हाई बनाया, और आज भी लगभग वही हाई था, सिर्फ 50 पैसा नीचे था आज 464 से। तो ये जो 1012 पॉइंट गिरावट हुई फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, 1012 पॉइंट गिरा, इसका आप 61.8% निकाल लो। और उसको आप 18837 में ऐड कर दो तो फिगर आएगा 19462। और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, दोनों दिन इस लेवल के ऊपर गया, कल भी और आज भी, लेकिन क्लोजिंग काफ़ी नीचे आई। कल भी 443 पे आई, आज 395 पे आई। तो ये 61.8% रिट्रेसमेंट पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये साबित कर रहा है। अब दूसरी बात, अब इसके पड़ाव क्या होंगे, तो ये पड़ाव क्या पार कर करके आया है, फिबोनाची के 23.6 को पार करके आया है, 38.2 के ऊपर भी क्लोज दे चुका है, और 50% जो कि फिबोनाची नंबर तो नहीं होता, लेकिन इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि ये 50% हो। तो अब 50% का लेवल है 19
19,343। तो मुझे यहाँ तक तो मार्केट कल दिखता है, ठीक है, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आने की संभावना हुई तो इस लेवल को भी छुएगा, ये 38.2% रिट्रेसमेंट को, ये होता है 223। तो मेरे दो टारगेट्स हैं अब आने वाले दिनों के लिए, कल के लिए, एक तो 343 फर्स्ट टारगेट, आज का लो 378, ठीक है, और आज क्लोज हुआ 395। तो पहला टारगेट कल के लिए 343, और इसके नीचे अगर आधा एक घंटा ट्रेड, आधा घंटा भी ट्रेड किया तो 223, ठीक है, ये मेरे टारगेट्स हैं। ऊपर एक ही स्टॉप लॉस है मेरा, 19,464 के ऊपर क्लोजिंग करें, 464 के ऊपर क्लोज करें, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और क्लियर कट कैंडल गिरावट की बनी है, क्यों, देखिए समझिए इसको, आज की कैंडल ने क्या किया, कल की पूरी कैंडल को ढक लिया, ठीक है, स्पेशली बॉडी को, और बॉडी तो इसने डे बिफोर यस्टरडे की भी ढक ली, बॉडी, ठीक है, तो ये वीकनेस का साइन है। अब ये मुझे 304 तक तो जाता हुआ दिखाई देता, कल दिखाई तो देता है, लेकिन मेरा टारगेट मैंने आपको बता दिया, ठीक, 343 और 223, 343 पहला टारगेट है, ठीक है, तो निफ्टी का हो गया, ज़्यादा बकवास करने में कोई मतलब नहीं है। कल आप लोगों को मैंने 19,500 का पुट भी दिलवाया था, याद होगा, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी देखिए आप, बैंक निफ्टी फिर भी मैंने आपको कल भी मना किया, आज भी मना करूँगा, क्योंकि वो दो दिन 61.8% के ऊपर क्लोज किया, लेकिन आज इसकी क्लोजिंग क्या हुई, आज भी इसने कल से ऊपर ही क्लोज किया, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है अभी भी, इसमें अभी तक कन्फर्मेशन कुछ नहीं है, जब तक ये लो 540 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करे तब तक इसको शॉर्ट मत मारिएगा, 43,540, इसके नीचे 15 मिनट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करे तब तक इसको शॉर्ट नहीं मारिएगा, बस इसके नीचे आपको दिखेगा 15 मिनट टिक गया, मारिए शॉर्ट, ये अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि ये अपना 61 इस जो फॉल का 61.8% से ऊपर तीसरी क्लोजिंग दिया इसने, कैसे देखिए निकाल लेते आपके सामने, ये 17 अक्टूबर का हाई था 44,589 और 26 तारीख का लो था 42,105,589। -42,105। तो बैंक निफ्टी में देखिए आप 2400 पॉइंट की गिरावट आ गई थी, 2484 पॉइंट्स की, कितनी गिरावट आई, 2484 पॉइंट्स की, 2484 पॉइंट गिरा था बैंक निफ्टी 17 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर के बीच। अब वापस से इसने 42,105 से कितना सफर तय कर लिया, 43,876, तो ये बहुत ही अच्छा रिकवरी दिया, लगभग आप मान सकते हो 44,589 -42,105, 2484 पॉइंट, इसका 61.8% निकाल दूं मैं, ये आता है 1535, कितना आता है 61, इसका 61.8% कितना आता है 1535, इस 1535 को मैं जो लो था 42,105 उस पर जोड़ दूं तो हमारा 61.8% निकल जाएगा, 43,640,
और बैंक निफ्टी 3 दिन कंटिन्यू 640 के ऊपर क्लोज़ किया, भले कन्विंसिंग कैंडल नहीं है लेकिन 3 दिन हो गए 43,640 के ऊपर क्लोज़ कर रहा है। देखिए आपको बताता हूँ, मंगलवार को 737, बुधवार को 658 और आज 683, तो तीनों दिन इसने 61.8% रिट्रेसमेंट जो कि 43,640 होता है उसके ऊपर क्लोज किया। लेकिन इसको शॉर्ट कब मानना, जब तक ये 43,540 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करे और 15 मिनट टिके नहीं तब तक इसको शॉर्ट नहीं मान, ठीक है। इसके नीचे टिकने लग जाए तो शॉर्ट मार दीजिए, सिंपल है। ये कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिखा रहा है, तीन दिन इसने 60 इस फॉल का 61.8% से ऊपर क्लोज किया। भले यहाँ कन्विंसिंग कैंडल एक भी नहीं है, एक कैंडल फिर भी ठीक थी, ठीक है। तो ये है मेरा एनालिसिस, बैंक निफ्टी में शॉर्ट में तब मारूंगा जब ये 540 के नीचे ट्रेड करेगा, अदरवाइज अवॉइड करूंगा, बाई मैं नहीं करूंगा भले ऊपर जाए, ठीक है। और निफ्टी का मैंने क्लियर बता दिया। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।